ताल ठोके के आखिरी सेगमेंट में, आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और बहुत सारे जो दर्शक हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि नवाब रमदक जब साहब जो हैं उनसे ज़रा बातचीत ज़्यादा हो बुक्ती साहब से, जो बलोच नेता है। बुक्ती साहब, लोग वाकई समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का धनी है, ये वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की ज़्यादतियाँ हुई हैं, बलोच रेजिमेंट जिसमें एक बलोच नहीं है, तेल आपके यहाँ से निकलता है और पहुँचता पंजाब को है, ये वो इलाका है जहाँ 75% लोगों के यहाँ तो वाटर सप्लाई नहीं है, किस तरीके से आप लोग जंग लड़ रहे हैं? जी देखिए सर, सबसे पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू अ स्मॉल बैकग्राउंड ऑफ बलूचिस्तान स्ट्रगल एंड द हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान, के यहाँ पर बड़ी आसानी से हम मीडिया में देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया आपको तो पता है वो किस तरह काम करती है, हर वक्त ये इल्ज़ाम लगाते हैं हिंदुस्तान पर और ब्लैकमेल करते हैं कि बलोचों को हिंदुस्तान सपोर्ट कर रही है। और रामदास मुफ्ती जब गए हैं यूरोप तो इंडियन पासपोर्ट के थ्रू गए हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन मीडिया एंड स्पेशली इंडियन सिनेमा, को वो जहाँ पर हज़ारों के हिसाब से मूवीज और फिल्म बनते हैं, स्टोरीज, फिक्शन, रियल स्टोरी, कि आप बलूचिस्तान को क्यों इंक्लूड नहीं करते, क्यों हाईलाइट नहीं करते। ये एक जेन्युइन मसला है। मैं पहले जैसे अर्ज कर चुका हूँ कि वो एक टिट फॉर टैट और रिएक्शन नहीं होनी चाहिए बल्कि पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। आपके पास फैक्ट्स हैं, हकीकत है कि अब मैं अगर स्विट्जरलैंड में आया हूँ, आई हैव सबमिटेड माय फाइल इन द इमिग्रेशन ऑफ स्विट्जरलैंड, तो उनको, उनसे आप जाएं पूछें। और मैं खुद चैलेंज करता हूँ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के इस बात को कि इंडियन पासपोर्ट है या नहीं, उनको तो पता है स्विस के पास मेरा पासपोर्ट है कि मैं किस पासपोर्ट से यहाँ आया हूँ। सो दीज आर जस्ट रबिश, नॉनसेंस। बलूचिस्तान का हिस्सा इंडिया ने इन्वॉल्व अगर किया होता तो आज मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान का नक्शा दुनिया में ना होता। तो हम ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया से कि जैसे उन्होंने बांग्लादेश में रेस्क्यू किया बंगाली ब्रदर्स को, तो इसी तरह आप आएं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बलूच ब्रदर्स का आवाज, सपोर्ट करें। आपकी आवाज बुक्ती साहब सिर्फ देश नहीं, मुझे यकीन है दुनिया तक पहुंच रही होगी, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी हुक्मरान आज के इस डिबेट को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे होंगे और उन्हें ये मैसेज मिल गया होगा। अब मैं, मुझे ब्रेक लेना है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, 10-10 सेकंड में दे पाऊंगी। समित साहब आप भी जानते हैं डिबेट के वक्त का तकाजा, और शेरगिल साहब आप भी, 10-10 सेकंड प्लीज। समित साहब देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार का माहौल पाकिस्तान ने दूसरे जगह बनाने की कोशिश की है, आज पाकिस्तान इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। कहीं ना कहीं वो देख रहा है कि उसकी गवर्नेंस किस प्रकार फेल हो रही है। और जो अभी बुक्ती साहब ने कहा, देखिए इट इज अ फैक्ट कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रहा ही नहीं है। जब बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं रहा है, तो हाउ इज इट दैट बलूचिस्तान इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान? आप दमन करके लोगों को अपने अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो ये विस्फोट होना था। और आज हम धन्यवाद करेंगे, अब वो शुरुआत हो गई है। शेरगिल साहब, उन्होंने जिस प्रकार से, शेरगिल साहब 10 seconds, not more than that, देखिए मेरा एक सुझाव है कि बलूचिस्तान के प्रति जो हमारी नीति कंसिस्टेंट रहे उसके लिए बहुत अहम है कि चीन को के प्रति हमारी विदेश नीति बदले। आपको याद होगा कुलभूषण जाधव को अरेस्ट करके दिखा दिया बलूचिस्तान से हैं और ये चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर उसको खराब करना चाहते हैं। चीन नेपाल और श्रीलंका में मौजूदगी दायर कर रहा है बलूचिस्तान को सही मायने में। अगर संसद में कांग्रेस और बीजेपी के प्रति हमारी नीति बहुत सीधी होनी चाहिए, क्या चीन को भी आईना दिखाया जाएगा? ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और ये डिबेट तो सिर्फ एक वानगी भरती, आप जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।